दोस्तों, भारत में G20 की बैठकें चल रही है और इस बैठक में अमेरिका, रूस, ब्राजील, यूके समेत कई बड़े बड़े देशों के पीएम और प्रेसिडेंट भारत में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत ने वे सारे फायदे उठाने शुरू कर दिए हैं जो अभी तक भारत के हक में तो थे लेकिन भारत को हक मिला नहीं था। और सबसे पहला तो यह है कि UNSC में वीटो और दूसरा है रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाना। तो आपको बता दे कि G20 के माध्यम से भारत ने अब अमेरिका को कांटे की टक्कर देना शुरू कर दी है और जो इंतजार था वह खत्म हो गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे रुपया अब इंटरनेशनल होने जा रहा है। दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत ने दुनिया भर के देशों को अपना लोहा मनवाया है और भारत में ये बात साबित हो गई है कि कैसे डिजिटल इकोसिस्टम के मामले में आज भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। भारत द्वारा लॉन्च किए गए UPI प्लेटफॉर्म ने अपनी क्षमता के दम पर करोड़ों लोगों की जिंदगी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है, जिसका आज छोटे से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। UPI की सफलता ने दुनिया को इसलिए भी हैरान किया क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आज से मात्र 6 से 7 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसके बावजूद यह आज दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपनी पहुंच बना चुका है। साथ ही UPI के आने के बाद देश में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है और लोगों ने कैश का इस्तेमाल कम करके ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में दोस्तों, भारत के अंदर खुलकर UPI का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके फोन में UPI है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके देश के अंदर छोटे से सामान से लेकर एक बड़े मोबाइल तक को खरीद सकते हैं, जो कि काफी सुविधाजनक है। लेकिन हम जानते हैं कि भारी संख्या में भारतीय लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में काम करने और पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत के अंदर खुलकर UPI का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके फोन में UPI है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके देश के अंदर छोटे से सामान से लेकर एक बड़े मोबाइल तक को खरीद सकते हैं, जो कि काफी सुविधाजनक है। लेकिन हम जानते हैं कि भारी संख्या में भारतीय लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में काम करने और पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में पिछले कई सालों से भारत डिमांड कर रहा है कि भारत किसी UPI की सुविधा को दूसरे देश में उपलब्ध करवाए। इसके तहत भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर UPI को बढ़ावा देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय युवकों की जिंदगी काफी आसान कर देगा। ऐसे में इस महत्वपूर्ण कदम पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बयान दिए, जो अपने आप में भारत के लिए काफी बड़ा संदेश है कि कैसे डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत और सिंगापुर ने अपनी क्रॉस कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए UPI और पे नाउ को लिंक। पे नाउ UPI का सिंगापुर काउंटर पोर्ट है, जो सिंगापुर के अंदर बिल्कुल UPI की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अब भारतीय UPI का इस्तेमाल करते हुए सिंगापुर में आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। सिंगापुर से ही आसानी से भारत को पेमेंट की जा सकती है, जो कि सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों के लिए फंड ट्रांसफर काफी आसान बना देगा। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर काउंटर पोर्ट की तरफ से उठाया गया, जिससे दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा। इस दौरान भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिंगापुर की मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने UPI को सफलतापूर्वक पे नाउ के साथ लिंक कर दिया। ऐसे में यह दोनों देशों द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम है, जिसका प्रभाव हमें अगले कुछ सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 से 2022 के बीच में भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब को पार कर गया था, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। साथ ही सिंगापुर में लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट और वर्कर काम करते हैं, जिन्हें अक्सर फंड ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब उनके लिए फंड ट्रांसफर करना काफी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, चीन को घेरने के लिए और उसे घुटने टिकाने के लिए भारत उसे हर तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन भारत को UNSC में वीटो दिलाने में मदद नहीं करता और बाकी सभी देशों की मंजूरी के बाद भी चीन मंजूरी नहीं देता। इस वजह से भारत ये साबित करने की सोच रहा है कि वह चीन से ताकतवर है और चीन से ज्यादा डिजर्विंग है वीटो के लिए।
और इस वजह से अब भारतीय सेना एक पर एक बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है। और इस बार सेना ने एक ऐसा हथियार खरीदा है जो चीन में घुसकर 800 किलोमीटर से ज्यादा तक वार कर सकता है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि सेना ने क्या खरीदा है और चीन कैसे अब डरा हुआ है जो MTCR के लिए तड़पता है। जी हाँ, चीन जो भारत के सामने झुकता है कि भारत MTCR उसे दे दे ताकि वह भी 400 किलोमीटर से ज्यादा तक किसी भी देश में वार कर सके। लेकिन भारत को पता है उसका रंग बदलने का स्वभाव और इसलिए भारत उसे नहीं देता है। और इस बार सेना ने कैसे एक हथियार खरीदा है उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अब चीन को करारा जवाब देते हुए भारतीय थल सेना ने उस हथियार के ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दिए हैं, जिसके तहत चीन का कोई भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के किसी भी हाई वैल्यू एसेट्स यानी टैंक, आर्टिलरी, गन्स या रॉकेट लॉन्चर्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप इस हथियार को मिड एयर सिक्योरिटी कवच भी कह सकते हैं या फिर इंडियन आयरन डोम भी बुला सकते हैं। DRDO और BHEL का यह हथियार चीन के हर एक हवाई खतरे को हवा में ही नष्ट कर देगा। वैसे बात हो रही है DRDO के क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम की, जिसके सभी परीक्षण पूरे होने के बाद हाल ही में भारतीय थल सेना में ऐसे 5 सिस्टम के ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दिए हैं जिन्हें 2024 तक सेना को डिलीवर किया जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम बना कैसे और काम कैसे करता है। तो आपको बता दें कि यह पूरा QR सिस्टम RCP यानी कि रेंजमेंट कमांड पोस्ट में डिवाइड किया गया है। अब RPCB को QR मिसाइल का दिमाग यानी कि CPU भी कहा जा सकता है। बता दें कि एक RPCB 3 बैटरी यूनिट से जुड़ा है जो कि बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल, बैटरी सर्विलांस रडार व्हीकल और बैटरी कॉम्बेट ग्रुप यानी कि यही 3 बैटरी यूनिट दुश्मन टारगेट को पहचान सकती है कि वह बॉर्डर से कितनी दूरी पर है और इसके कोऑर्डिनेट सेना को मुहैया कराते हैं। और मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने का काम भी इसी यूनिट से होता है। अब की बार सिस्टम का जो रडार है वह एक समय पर टारगेट को लॉक कर सकता है। एक लॉन्चर से 6 सेम मिसाइल जमीन से हवा में फायर की जा सकती है, जिसकी रेंज 30 से 50 किलोमीटर के बीच है, जो कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए काफी है। और ऐसी 72 सेम मिसाइल QR सिस्टम में रहती है। और ऐसे 5 सिस्टम के ऑर्डर भारतीय सेना ने BHEL को दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मुताबिक यह ऑल वेदर मिसाइल्स हैं। इन्हें दिन हो या रात कभी भी दुश्मन पर फायर किया जा सकता है। इसमें जो स्वदेशी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है उसके चलते इसकी मारक क्षमता 90-95% एक्यूरेट बताई जा रही है। मतलब चीन का कोई भी हवाई हथियार इसमें बच नहीं पाएगा। शुरुआती तौर पर QR सेम मिसाइल थल सेना को मिलेगी और इसके बाद एयरफोर्स और आखिर में नेवी के बैटलशिप में फिट किए जाएंगे। ऐसे में अब ये काफी गर्व की बात है कि भारतीय सेना विदेशी मिसाइलों की बजाय स्वदेशी मिसाइलों की खरीद कर रही है। और एक तरह से ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत कितनी तेजी से अपने आप को डिफेंस सेक्टर में मजबूत कर रहा है। और फिर चीन जैसे देश भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।